मैं इंगोरिया धामदू रहता हूँ, तहसील जावरा, जिला रतलाम है। मेरा नाम लक्ष्मण चौधरी है, पिताजी का नाम अंबाराम जी चौधरी है। मैं काश्तकारी करता हूँ, खेती ही करता हूँ। इसको प्लव पे चलाया, पंजे पे चलाया, ट्रॉली पे चलाया, अभी सिड्डिल पे अब चलाना है, चलेगा, अब सीजन आ गई, चालू होने वाली है। तो ट्राली पे दूसरों ट्रैक्टरों से इनका काफ़ी कैफियत से चला है। दूसरे ट्रैक्टरों में वो खासियत उठने वाली थी, आगे से उठता था, ये ट्रैक्टर आगे से उठा नहीं। हम रेत में रेत ही भरकर लाए नदी से, तो उठने की समस्या इसमें नहीं आई है अभी तक। ट्रैक्टर में विशेष करके इसमें जो रेजिएटर जारी का जो सिस्टम डबल जारी दे रखी है, उसमें कचरा घुसने की कोई समस्या नहीं है। और इसके जो पंप वाला या लूच आगे सामने बाडी का जो दिया है वो पूरा उठ जाता है, उसमें साफ सफाई अच्छी हो जाती है। इसको धोने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पूरा ट्रैक्टर धुल जाता है, उसमें कचरा नहीं जमता अंदर, वो सामने वाला बोनट पूरा उठ जाता है पंप से। लाइटें अच्छी लुच लाइटें बिल्कुल रोड पे, जैसे रोड पे चला रहा तो रोड की लाइटें बिल्कुल लंबी चलती, अच्छी दिखता है। गोल लाइटें हैं, लंबी बिखरा बिखरा लाइट नहीं भेज देती है। इंजन तो लगभग बहुत बढ़िया लगा अभी तो, और गियर भी लगभग अच्छे चल रहे हैं। इसमें 15 गियर हैं, 5 रिवर्स है, 10 फर्स्ट है। डीजल एवरेज में लगभग बहुत बढ़िया लगा मेरे को अभी, जैसे ट्रॉली में चलाया, हंकई पे चलाया, प्लव पे चलाया, इसको तो लगभग बहुत बढ़िया लगा है। दूसरों ट्रैक्टरों से इसमें काफ़ी हैसियत मिली और काफ़ी राहत मिली है डीजल के मामले में। इसकी थकान बिल्कुल महसूस नहीं होती है, आदमी चाहे तो पूरे दिन भर ट्रैक्टर चला लेता है, उसमें कोई उसको थकान महसूस नहीं होती है। जो दूसरे ट्रैक्टरों में आदमी 2-4 घंटे में बोर हो जाता है, वो समस्या इसमें नहीं रहती है। इसमें थकान बिल्कुल महसूस नहीं रहती, बैठक अच्छी रहती है, आदमी थकता नहीं है इसमें। इसी का चुनाव ये मन में आई कि कुछ कोई नई चीज़ लेंगे, उसमें कुछ ना कुछ मिलेगा नई चीज़ के हिसाब से। पुराने जैसे पहले स्कॉट चलाया था, मेसी चला रखा, तो इसके हिसाब से इसमें वो दिखा कि चलो ठीक है, कोई नई चीज़ है, नई चीज़ पसंद करेंगे, उसको वापरेंगे, तभी पता चलेगा कि इसमें क्या है। तो लेने के बाद में हमें बहुत अच्छा लगा है। इसमें जैसे सबसे बढ़िया तो मेरे को ये अच्छा लगा कि जो ट्रॉली में जो चलता है, दूसरे ट्रैक्टर ट्रॉली में चलते हैं तो वो उठने लग जाते हैं आगे से, ये आगे से उठने का नाम नहीं लेता है। जैसे ट्रॉली खेत में हमने प्लव का खेत में भरी हुई ट्रॉली, पत्थर की भरी हुई ट्रॉली खेत में लेके चलाई हमने, तो आगे के उठने की इसमें बिल्कुल वो बीमारी नहीं आई। दूसरे ट्रैक्टर आगे से उठने लगते हैं, ये ट्रैक्टर आगे से नहीं उठा बिल्कुल भी नहीं। और जो हंकई के मामलों में जो 50 हॉर्स पावर के दूसरे ट्रैक्टर जो हांकते थे वो 3 बीघा हांकते थे, इसने 3.5-4 बीघा जमीन घंटे में हांकी। मेरे से कोई भी काश्तकार भैयों को मेरे से तो ये अनुरोध रहेगा कि भैया चुनाव ट्रैक्टर लेना है तो ये सोलिसी लीजिए, आपको इसमें डीजल की काफ़ी हैफियत मिलती है, डीजल बहुत कम लेता है। और फिर दूसरी बात सर्विस, दूसरे ट्रैक्टरों में 200-250 घंटे में सर्विस ली जाती है, इसमें 500 घंटों की सर्विस है, सर्विस में अपन को डबल बचत होती है इसमें। इस मैं तो यही राय दूंगा और किसान भाइयों से।